उठा लो अच्छा एक सिंगल सिंगल एक पाजी का तो रास्ता पाजी 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 यो मेरा नाम पाजी मेरा नाम इत्थे पाजी यो थैंक यू पाजी नाइस शू अच्छे पाजी का सोलो फोटो आरु के इसलिए तो सर को लास्ट में बोला अक्षय सर या सर या दिस कैमरा अक्षय सर दिस कैमरा अक्षय पाजी सामने सर और अक्षय सर सब आपका फैन है सब लोग पहले बोला है अक्षय सर के साथ फोटो लेना सब लोग बोल रहे प्लीज एक एक करके जाओ जल्दी फटाफट आज पता कैसा फोटो लेंगे जब तक आप अब तीनों जन करते हैं मैडम आए करीना करीना अरे रुको रुको मैडम को अरे बस अक्षय सर जरा एक कुछ तेरा हाथ आ रहा पीछे सर या अक्षय सर समोर पाजी पाजी यो सर ऑल दिस कैमरा चलो सोलो 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 लेडीज फर्स्ट साथ में दोनों जगह साथ में साथ में मारेंगे तो भाई थोड़ा पीछे आइएगा देना मैम यो एकदम सामने नीचे करेना जी यो मैम यो सोलो 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 अरे दोनों मैडम जी मैम लोग हैं सेंटर करेना मैम सेंटर मैम मैडम जी मैम है सेंटर मैडम जी एकदम सामने नीचे मैम सेंटर करेना मैम क्या हाल है एकदम सामने और नीचे रलियो मैम दिस कैमरा हाथ खाली कर मैम सेंटर मैम दिस कैमरा मैम मैम सेंटर सेंटर क्या रहा मैम मैम दिस कैमरा क्यारा जी सामने क्यारा जी क्यारा जी अक्षय पाजी दिलजीत पाजी जब तक आप आ जाओ भाभी हाँ सही हो अच्छे सही हो सर सेंटर हाथ हटा रहे बाबा ऐसा बोल ना ऐसा हाँ हाँ कुछ अलग करो उठा लो अरे अच्छा सोलो सोलो एक सिंगल सिंगल एक पाजी का तो रास्ता पाजी 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 यो मेरा नाम पाजी मेरा नाम इत्थे पाजी यो थैंक यू पाजी नाइस शू अच्छे पाजी का सोलो फोटो आरु के इसलिए तो सर को लास्ट में बोला अक्षय सर या सर या दिस कैमरा अक्षय सर दिस कैमरा अक्षय पाजी सामने सर लेफ्ट में सर या सेंटर
और आपके सर सब आपका फैन है, सब लोग पहले बोला है कि आपके सर के साथ फोटो लेना, सब लोग बोल रहे प्लीज एक एक करके जाओ जल्दी फटाफट। आज पता कैसा फोटो लेना। सवाल पहले करण जी से है, सर आपने कहा था गुड न्यूज की जो स्पेलिंग है उसके पीछे कहानी है, दैट डबल डब्ल्यू, सो प्लीज शेयर दैट। कहानी के पीछे आप कहाँ के पीछे सर? यहाँ। अच्छा आप यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहा था आपने? सर आपने कहा था कि गुड न्यूज की जो स्पेलिंग है उसके पीछे कहानी है, दैट डबल डब्ल्यू, सो प्लीज उसके बारे में बताइए। देखिए बहुत साल पहले मैंने ये एक जो इनहेरेंट सुपरस्टिशन था और हमेशा रहता भी है हम लोगों की दुनिया में, क्रिएटिव दुनिया में, तो मेरा एक 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 सुपरस्टिशन मेरा भी था के अल्फाबेट से। फिर कुछ ऐसे रिलीज हुए फिल्म के साथ जिसमें करीना कपूर भी थी एक ऐसी फिल्म में जो ज़्यादा नहीं चली, तो मुझे लगा कि ये के अक्षर शायद ये मैं बस ये ऐसा सुपरस्टिशन के साथ मैं बैठ चुका हूँ एंड इट्स जस्ट स्टेइंग विद मी फॉर नो रीज़न, तो आई गेव अप ऑन दैट सुपरस्टिशन। मेनी ईयर्स आफ्टर दैट आई इनकाउंटर्ड राज मेहता हु इज़ पैरानॉइड अबाउट एवरीथिंग, सो एंड इट वॉज नो यू आर ब्लेमिंग अक्षय, it's you, huh? Okay, all right. So he, along with Azim Dayani, who's the curator of music in this film, they both came very paranoid and asked me if they could call the film A Good News. So I just said A Good News is not incorrect English. You don't have A Good News, it's Good News. So they said, then we'll have to change the spelling. And I realized it's his first outing. Azim is a very passionate young man. And I felt that कल को कुछ गलत हो गया, they'll blame it on me and the spelling. So I said, please change it. And they decided to call it N-E-W-W-Z. Personally, it's rather ridiculous, but it's actually, everyone has learned to accept it and really envelop it. So well done, Raj, thank you. And in fact, we're going to make sure that you change the spelling of all our films. And if this film does well, then you'll be the spell man at Dharma. ओके अक्षय बाजी, करीना एंड कियारा, आपसे सवाल है कि दिस इज द, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट टू हैव अ स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी विद दैट कॉमेडी ऑफ एरर्स वाला स्क्रिप्ट, मतलब ये जो फिल्म है, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू गॉट द स्क्रिप्ट? मतलब दिलजीत पाजी हैज डन मुख्तार चड्डा एंड अदर फिल्म्स व्हिच हैज अ स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी काइंड ऑफ स्टफ, बट व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? इसीलिए बोलता हूं, बोल दे, किसको पूछ रहा है? आप तीनों से? तीनों से? हाँ जी। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई स्टिल रिमेम्बर करण, ये मुझे एक कहानी सुनाने लाए थे, तो ये मेरे घर पे आए हुए थे, इन्होंने कहानी सुनाई और करीबन डेढ़ पौने दो घंटे की नरेशन दी, और मैंने कहा बहुत अच्छी कहानी है। फिर मैं बोला और क्या बना रहा है? फिर कहता एक छोटी फिल्म बना रहा हूँ गुड न्यूज़ करके। मैं बोला उसकी कहानी क्या है? फिर उन्होंने करीबन दो मिनट सुनाई वो कहानी। मैं बोला वो डेढ़ घंटे वाली भूल जाते हैं, ये बनाते हैं। तो फिर उसके बाद ये मुझे स्लाइस ऑफ लाइफ वाली कहानी जो है मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत मज़ा आया इस कहानी के अंदर। और मैं सच बताऊं तो ये ऐसा हादसा कहीं हुआ भी है जो आपने देखा ट्रेलर अभी, ये कहीं हुआ भी है और उसको लेके इसको पिरोया गया है। करीना जी एंड कियारा, योर इनपुट्स। व्हेन एक्चुअली राज नरेटेड द फिल्म, आई पर्सनली थॉट आई वाज परफेक्ट फॉर द पार्ट। That's the truth. I thought that I really wanted to, you know, do the film. It was funny. It was, I couldn't stop laughing. And I said that why not? I mean, of course, it's a production house that I trust beyond. And I was like, why not? It's a whole package is great. Actually, Akshay was not on board at that time. I was the first one that came on board. I didn't know who the rest of the cast was. But I said, yeah, I want to trust Raj and let's just do it. And I think it's quite funny. I was rolling on the floor laughing when he narrated it to me, and I was the last one on board. So I knew all three of them were on board, and I was like, this is a huge opportunity for me to work with all of them. This is my first film with Dharma, so that itself was a big moment for me. And yeah, I mean, for me, I'm, like Karan sir said, I'm the junior most here, and there's just so much to learn. It's a character that Raj has given me, which he really worked with me on this one, and I really hope you guys like it. I love the way I become sir only on this stage. Drop it, babe. Diljit actually was very exciting because I remember speaking to him, and I think when he heard that, you know, he heard the ensemble, I think immediately kind of it excited him, and I think he kind of like was agreeable to be on the film as soon as I think he heard the cast, and then of course he heard the narration and Raj narrated. Kya laga aapko Diljit? मुझे लगा सिर्फ ऐसे सुनाने के लिए बुलाया है मुझे, शायद लेंगे नहीं फिल्म में, तो मैं सुनने के लिए चला गया था, क्योंकि एक बार मैं पहले सुनने आया था एक फिल्म, तो वो उसमें मैं नहीं था। बट अगर आप ये अच्छी अगर फिल्म वो फिल्म करते तो शायद ये खुशी खुशी ये नहीं कह पाते, वो फिल्म अगर आप करते तो कुछ वहाँ बताएंगे नहीं कौन सी फिल्म, लेकिन हाँ।
थैंक यू सर. नमस्कार, मैं रेखा खान नवभारत टाइम्स से. सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूँगी. बहुत ही कमाल का ट्रेलर है और बहुत मज़ा आया देख के. दो दो तीन तीन बार भी हम देख सकते हैं. ये सवाल मेरा आप सभी लोगों से है. हम हमेशा जब भी गुड न्यूज़ की बात करते हैं तो यही होता है कि घर में कुछ कोई मतलब कोई बेबी आने वाला है या इस तरह की बात होती है कि क्या यार कोई गुड न्यूज़ है. लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इसके अलावा आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ की डेफिनेशन क्या होती है. आजकल के दौर में बहुत स्ट्रेस है. हम लोग कई बार ट्रैफिक में स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं. कई बार हमारे डे टू डे चीज़ें हैं. तो आप सबके लिए इसके अलावा क्या डेफिनेशन हो सकती है गुड न्यूज़ की. क्या करण आपके लिए क्या गुड न्यूज़ हो सकती है. When his parcels of his shopping reach his door. ये मैं सभी से जानना चाहूँगी. देखिए क्या है कि मुझे लगता है कि गुड न्यूज़ की जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं ज़्यादा एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मैं उस किस्म का इंसान हूँ कि कुछ अच्छा अगर मैंने सुन लिया तो मुझे लगता है कि एक दो मिनट या पाँच मिनट या पंद्रह मिनट के बाद मैं कुछ बुरा सुन लूँगा. तो वो गुड न्यूज़ का ज़्यादा ऑफकोर्स अनलेस इट्स द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड. जैसे मुझे अभी भी याद है व्हेन आई गॉट द इन्फॉर्मेशन ऑफ माई टू बेबीज व्हाट दैट फेल्ट. लेकिन गुड न्यूज़ का जो होता है ना, गुड न्यूज़ के बाद हमेशा कोई ना कोई बैड न्यूज़ ही आ जाता है. तो आई विल फेस की कभी खुशी कभी गम काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाता है हमारी जिंदगी में. सो आई डोंट होल्ड ऑन टू दैट न्यूज़ विद दैट मच जॉय एवर. मुझे लगता है कि हमेशा केस के बाद कुछ बुरा ही होने वाला है. आई एम अ लिटिल बिट ऑफ अ सिनिक लाइक दैट. लेकिन गुड न्यूज का मां बहुत सारे हो सकते हैं. मुझे तो गुड न्यूज ये होता है जब एक एक्टर कम प्राइस पे फिल्म कर दे, सबसे बड़ा न्यूज वो है. और वो गुड न्यूज अक्षय ने मुझे आज तक नहीं दिया. करीना आपके लिए क्या हो सकती है गुड न्यूज. आई कांट बीट दैट आंसर, सो आई डोंट थिंक वी शुड आंसर दिस क्वेश्चन. और अक्षय आपके लिए. मेरे लिए मैं तो बैड न्यूज में भी गुड न्यूज ढूंढता हूं.